गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी लवली पोएम अ टाइगर इन द जू रिटर्न बाय लेस्ली नॉरिस। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारी कविता है विच लेज इम्फेसिस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ये जो पोयम है एक आजादी का क्या महत्व होता है ये उसके ऊपर काश डालती है एक्चुअली ये एक टाइगर की मनस्थिति को बखान करती है कि एक टाइगर को हम अगर जू में कैद कर देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है उसका बर्ताव कैसा होता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है अपने प्राकृतिक आवास में रहता है वहां पर वो कैसे बिहेव करता है तो प्यारे बच्चों आज़ादी का कितना महत्व होता है ये तो हम आज की इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज स्वयं भी महसूस कर चुके हैं क्योंकि आपको पता है आज लॉकडाउन है तो बहुत दिनों से हम घरों में हैं अब आप सोच करके देखिए प्यारे बच्चों कि हम अगर मान लीजिए बीस दिन से या तीस दिन से घर में हैं तो हम कितने उतावले हैं कितने बेचैन हैं बाहर निकलने को घूमने को फिरने को और आज़ाद रहने को अपना मन मर्जी का काम करने को तो ऐसे ही जानवरों का भी मन करता है प्यारे बच्चों एनिमल्स भी चाहते हैं कि वो अपने प्राकृतिक आवास में रहें स्वच्छंद रहें लेकिन मनुष्यों ने अपने निजी स्वार्थ के नाते अपने निजी हितों के लिए बहुत सारे जानवरों को घरों में कैद कर रखा है और बहुत सारे जानवरों की प्रदर्शनी लगा रखी प्यारे बच्चों उनको जू में चिड़ियाघर में कैद कर रखा है तो आइए आज हम इस लेस्ली नॉरेस की लिखी हुई इस पोएम को पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं इसका तो ये कविता जो है ये पहले हमें जू में लेकर के चलती है फिर उसके बाद हमें वन में लेकर के जाएगी फिर वापस जू में लेकर के आती है तो आइए पढ़ते प्रथम स्टेंजा के अंदर क्या लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस ही स्टॉक्स स्टॉक्स मीन्स होता है प्राइड से चलना वॉक विद प्राइड गर्व से चलना इन इज विविड विविड मीन्स क्लियर स्पष्ट और स्ट्रिप्स मीन्स धारियां प्यारे बच्चों बाघ के शरीर के ऊपर धारियां हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं और वो चलता है बड़े गर्व के साथ कहां पर चलता है फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चलता है ऑफिस केज पिंजरे के अंदर तो बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर बड़े गर्व के साथ चलता है और उसकी पहचान है उसके शरीर के ऊपर जो धारियां हैं वो बड़ी स्पष्ट नजर आती हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट अब यहां पर जो बाघ के पंजे होते हैं प्यारे बच्चों वो गद्दीदार होते हैं पैड्स के पैड पैड जैसे होते हैं ऑफ वेलवेट जैसे मखमल होता है और मखमल पर जब कोई आदमी चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती तो ऐसे ही पाँव जो हैं वो बाघ के बड़े गद्दीदार होते हैं तो जब वो चलता है तो क्वाइट क्वाइट का मतलब बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती शांत साइलेंट कोई शोर नहीं होता जब वो जमीन पर चलता है क्योंकि उसके पाँव मखमल की तरह गद्दीदार होते हैं इन इज क्वाइट रेज रेज मीन्स एंगर गुस्सा गुस्सा है उसे क्वाइट लेकिन फिर भी वो शांत है यानी वो गुस्से में अपने मखमली पांव से पिंजरे के अंदर कुछ कदम जो है वो बड़े गर्व के साथ चलता है और उसके शरीर के ऊपर बनी हुई जो धारियां हैं वो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं अगर यही बाघ जंगल में होता वन में होता तो आइए देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता ही शुड बी लर्किंग इन शेडो लर्किंग मीनस हाइडिंग हाइडिंग मीन छुपाना इन शेडो अगर ये बाघ जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता अपने प्राकृतिक आवास में होता जंगल में होता तो ये अपने आप को छुपा करके रखता किसी छायादार वृक्ष के नीचे स्लाइडिंग थ्रू लोंग ग्रास नियर द वॉटर होल वे आर द प्लम्प डियर पास या फिर ये कहाँ होता एक लंबी सी घास में स्लाइडिंग धीरे धीरे सड़क रहा होता नियर द वॉटर होल पानी के स्रोत के पास क्यों वे आर द प्लम्प डियर पास जहाँ पर प्लम्प का मतलब होता है मोटे जहाँ पर मोटे डियर जो डियर होते हैं जो हिरण होते हैं वो पानी के स्रोत के पास पानी पीने के लिए आते हैं और उसके पास अगर पानी का स्रोत है तो वहां पर लंबी लंबी घास होती है उस घास के अंदर से धीरे धीरे उस गोल मटोल हिरन को पकड़ने के लिए सरक रहा होता प्यारे बच्चों थर्ड स्टैंडा में देखते हैं ही शुड बी स्नारलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बीरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेर द विलेज ही शुड बी स्नार्लिंग स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना अराउंड हाउसेस घर के चारों ओर आकर के एट द जंगल प्यारे बच्चों जब ये प्राकृतिक आवास में होता नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये किसी गांव के पास जाता यानी जंगल के किनारे जाता और वहां जाकर के लोगों के घरों के सामने दहाड़ता बीरिंग हिस्स वाइट फेंगस

क्लास मींस नेल्स पंजे उसके और टेरराइजिंग मीन्स आतंकित करना और दिलेज मीन्स ग्रामीण वासियों को तो प्यारे बच्चों ये जब अपने प्राकृतिक आवास में होता तो क्या करता जंगल के किनारे जाता वहाँ लोगों के घर होते तो उनके सामने जाकर के दहाड़ता स्नारलिंग दहाड़ना दहाड़ता और अपने सफेद दांत दिखाता उनको अपना गुस्सा दिखाता अपने तेज धारदार पंजे दिखाता टेरराइजिंग और गांववासियों को आतंकित करता बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग लेंथ ऑफ इज के इग्नोरिंग विजिटर्स लेकिन अब इसकी बदनसीबी देखिए क्योंकि ये एक कंक्रीट सेल में एक सीमेंट से बनी हुई जो कक्ष है कमरा है सीमेंट से बना हुआ ये उसके अंदर लॉक्ड है ये उसके अंदर कैद है इट्स स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स प्यारे बच्चों जो लोहे की सलाखें होती हैं तो उन सलाखों के पीछे अपनी ताकत को ये दिखा रहा है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज और बड़े गर्व के साथ जो है वो पिंजरे के अंदर चहलकदमी कर रहा है इग्नोरिंग विजिटर्स और जो आगंतुक आ रहे हैं जो लोग देखने के लिए इसको आ रहे हैं ये उनकी उपेक्षा कर रहा है मतलब उनको देख नहीं रहा है उनको इग्नोर कर रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉयस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स जो रात के वक्त निरीक्षण के लिए जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं ये रात के वक्त उनकी आवाज़ को सुनता है एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार्स और इन अंतिम पंक्तियों में उस बाघ की वेदना को देखिए प्यारे बच्चों कि अपनी चमचमाती हुई आँखों से ब्रिलियंट आइज अपनी चमचमाती हुई आँखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स को चमचमाते हुए सितारों को अपने पिंजरे के अंदर से देख रहा है यानी मनी मन अपनी आजादी की गुहार लगा रहा है अपनी मन स्थिति के बारे में बता रहा है या उम्मीद कर रहा है कि कभी तो उसको भी आज़ादी मिलेगी थैंक यू